सत श्री अकाल सबको, मैं डॉक्टर सुयशा सैनी, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन अमनदीप हॉस्पिटल। तो आज 13 सितंबर को है वर्ल्ड सेप्सिस डे। वर्ल्ड सेप्सिस डे हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम सेप्सिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। तो सेप्सिस होता क्या है? सेप्सिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक्टिव हो जाता है और कई बार ओवर एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन स्प्रेड हो जाती है, जिससे कई बार मल्टी ऑर्गन फेलियर और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सेप्सिस होता क्यों है? सेप्सिस किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पांस है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेस जो होते हैं सेप्सिस के, वो होते हैं कोई भी इन्फेक्शन, जैसे कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कई बार डेंगू, येलो फीवर, इनकेफेलाइटिस, मेनिनजाइटिस, इन सब चीजों में भी सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस के लक्षण क्या होते हैं? होते हैं हाई ग्रेड फीवर, पेशेंट को फीवर आता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और कई बार सीवियर केसेस में क्या होता है कि पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाता है, कंफ्यूजन स्टेट हो जाती है, यूरिन आउटपुट कम होने लगता है, स्किन चेंजेस होने लगते हैं, स्किन पे रैशेस वगैरह आ सकते हैं। सेप्सिस को आइडेंटिफाई करना और टाइमली ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% मॉर्टेलिटी हो सकती है सेप्सिस अगर अनट्रीटेड रहे तो। कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा रिस्क है सेप्सिस की? वो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, स्पेशली एल्डरली मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज, बच्चे जो लेस देन 1 ईयर ऑफ एज है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कोई इम्यूनोसप्रेसेंट रख दे रहे हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स, ऑनगोइंग कीमो चल रही है, डायबिटिक पेशेंट्स, पेशेंट्स जिनके कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे क्रॉनिक लिवर डिजीज हो गई, क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई, ऑल दीज पेशेंट्स जो है वो इंक्रीज्ड रिस्क पे होते हैं सेप्सिस के। तो सेप्सिस को टाइमली ट्रीट करना, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर सेप्सिस को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो फर्दर आगे स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हम सीवियर सेप्सिस बोलते हैं, और फर्दर सेप्टिक शॉक, जिसमें पेशेंट का बीपी बिल्कुल अनरिकॉर्डेबल चला जाता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, और उस वजह से सारे ऑर्गन्स में ब्लड नहीं पहुंचता तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। तो क्योंकि सेप्सिस की इतनी ज्यादा हाई मॉर्टेलिटी है, तो इस सेप्सिस डे पे हम ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि सेप्सिस को हम टाइमली आइडेंटिफाई करेंगे और इसका ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू।